धनतेरस पर सुबह से ही शिमला के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। राजधानी शिमला सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। वहीं पर्यटकों ने भी आज के दिन खूब खरीदारी की। बाजार में सुबह से ही लोग कांसे के बर्तन सहित सोने और चांदी की खरीदारी करते दिखाई दिए। हालांकि दोपहर बाद मौसम खराब रहा, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। दरअसल दिवाली से पहले धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है। धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। धनतेरस पर खरीदारी करने आई ग्राहक दीपिका ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम दीपिका हुआ, मैं दिल्ली से आई हूँ। फिलहाल तो कुछ काम से यहाँ घूमने के लिए आई थी, पॉल्यूशन वगैरह से यहाँ पहाड़ियों में, लेकिन आज पहली बार मुझे धनतेरस यहाँ मनाने का मौका मिला। इतने सुंदर सुंदर बाजार है और ये लोअर मार्केट है शिमला का, बहुत ही सुंदर सजाया गया है धनतेरस के दिन। दिए भी मिल रहे हैं, बर्तन भी मिल रहे हैं और आज के दिन जो परंपरा है धनतेरस में बर्तन खरीदने की, लोग खरीदते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय कारोबारी अजय बिंदल धनतेरस की खरीदारी को लेकर क्या बोले, सुनिए। धनतेरस के दिन बर्तन लेना शुभ माना जाता है, तो हर एक आदमी बर्तन लेने की डिमांड करता है, हमारे को बुक करा के जाता है कि हम आज ही नहीं आएंगे। जो हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।